The fate of public genius यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के समाचार। राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान सिटी सेंटर में दस्तक अभियान को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के मदन मोहन गुप्ता जी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में चलने वाले दस्तक अभियान का शुभारंभ 14 जून से होने जा रहा है। यह अभियान 31 जुलाई 2018 तक चलेगा। अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुलुक सिक्सानानी की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभु सक्सेना ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून से होने जा रहा है अभियान। यह अभियान 31 जुलाई 2018 तक चलेगा। अभियान के दौरान घर घर दस्तक दल आएगा जो कि बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगा और इसके साथ ही जांच करेगा और जांच के उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश परिजनों को बीमार व कुपोषित बच्चों के उचित इलाज की व्यवस्था प्रशासन द्वारा तत्काल की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से दस्तक दल को सहयोग प्रदान करने की अपील सीएमओ द्वारा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कोरा तो वो घर घर जाके इसका सर्वे करेंगे और उसमें के साथ में उसका उपचार भी तुरंत करना है जिससे हमें बाल मृत्यु दर कमी लाए। तो मुख्य बंधन ये होते हैं कि या तो बच्चा कुपोषित है, या तो बच्चा दस्त में है, या तो बच्चा जन्मजात विकृति से पीड़ित है, या तो बच्चे में एनीमिया है, या बच्चे में श्वसन रोग है। इस तरह की बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और उनके दवाइयों का उपचार हो जाता है, दवाइयों के साथ उपचार हो जाता है। तो हम इसमें प्रभावशाली ढंग से इस शिशु मृत्यु दर में और बाल मृत्यु दर में कमी लाएंगे। कितनी टीमें बनाई हुई हैं? जी, टीमें कितनी बनाई हैं? इसमें हर ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। ब्लॉक स्तर को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में जाके एक एक टीम काम करेगी। वहाँ से जो फाइनल अभी जो मीटिंग समय जो जानकारी आने वाली है तो जानकारी हम आपको सर्कुलेट करेंगे। क्योंकि जो ढांचा है कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो आपका जो ढांचा है वो ढांचे में लौटवाना है पूरा का पूरा। मॉनिटरिंग में हमारी जो एएनएम है और आशा कार्यकर्ता है ये लोग बीमारियों को पहचानने में समर्थ है और ये उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है, उनको रेफरल स्लिप दी जा रही है तो वहाँ से उनको रेफर करके जिला चिकित्सालय में या खंड चिकित्सालय। ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अगर वो अभी अलग से व्यवस्था है क्या? नहीं, 108 में अपन भेजेंगे, बच्चा आना चाहेगा तो रेफर। 108 की स्थिति तो बहुत खराब है डॉक्टर। नहीं, 108 की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, 108 की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही हैं उनसे। अगर किसी मोटर में किसी गाड़ी में कोई कमी आती है तो उसको पूर्ति की जाएगी। उसका हमारी तरफ से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि 108 में व्यवस्थाएँ ठीक तरीके से बनी रहे। डॉक्टर, एक बड़ा आरोप लगा था जब डॉक्टर जाधव थे यहाँ के हॉस्पिटल तो बराबर झूलाबाग जो झूलाजाब डॉक्टर थे उन पर बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी लेकिन एक भी कार्रवाई पूर्ण अंजाम तक नहीं पहुंची। लगभग 350-350 डॉक्टर हैं यहाँ पर झूलाजाब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन किसी पर 2 या 3 के बाद कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगे कि तब कुछ मैनेज हुआ है। आप आए हैं अभी, आपने चार्ज लिया है तो क्या इस पे क्या करेंगे? इसमें कार्रवाई हम लोग करते हैं उसको जिसके पास में नॉन क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास में डिग्री नहीं होती है। आपने अभी की है ना कहीं कहीं? हाँ, मैंने करी, मैंने सामने भी करी। तो दफ्तर में तो आप गए नहीं? दफ्तर में जाना अलग की नहीं है। एक बस्ती में मैंने अभी गया था, वहाँ अलग ही चिकित्सक जो भी चिकित्सक थे वो मौजूद नहीं थे, कुछ मरीज बैठे हुए थे। उस क्लिनिक का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें उस चिकित्सक की डिग्री वगैरह नहीं दिख रही थी। तो वहाँ पे उसका जो कंपाउंडर था या जो मरीज थे उनको समझाइश दी कि अगर डॉक्टर प्रशिक्षित हैं तो उनसे इलाज करवाएं और कंपाउंडर को हिदायत दी कि वो डॉक्टर से संबंधित अपने क्वालिफिकेशन वाले पर्चे
वो मेरे पास लाके दिखा। सर ये समझाइश की बात ही नहीं है सर, ये एक्चुअली मैं निश्चित तौर पे कहेंगे स्वास्थ्य का मामला है और समझाइश पिछले करीब 20-25 साल से बराबर होती चली आ रही है। पिछली मैंने अभी आपसे कहा भी था कि डॉक्टर जाधव साहब ने जो किया था लगभग जैसे ही वो उन्होंने चार्ज लिया था पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन वो एक महीने में सब कुछ शांत हो गया है, आरोप लगे कि सब कुछ मैनेज हुआ है। तो उम्मीद हम क्या कर रहे हैं आपसे, सवाल ये है। अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं समझाइश देने के बाद में उनसे मंगवाने के बाद में, तो या तो ये है कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके लिए प्रशासन की मदद लेने की आवश्यकता होती है, तो हम इस पर विचार करेंगे और काम करेंगे। छोटे और मझोले व्यापारियों के हितों की भी चिंता करती है भाजपा, यह कहना है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मदन मोहन गुप्ता का। उक्त विचार श्री गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता के दौरान व्यक्त किए। व्यापारियों की समस्या को जानने के मकसद से 51 जिलों के भ्रमण पर निकले मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के मदन मोहन गुप्ता जी मंगलवार को प्रेस क्लब में अपने 16वें जिले के भ्रमण के दौरान एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा हर छोटे बड़े व्यापारी का ध्यान रखती है, उनकी समस्याओं को समझती है, इसलिए उन्हें हल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। उनका यह दौरा इसी का एक हिस्सा है, लेकिन चर्चा के दौरान जब वास्तविकता से जुड़े कुछ सीधे सवाल जब पत्रकारों ने उनसे किए तो उनका गोल गोल जवाब देते नजर आए और व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं के लिए कांग्रेस को पोषने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गैस बत्ती और जनरेटर में व्यापार करता था, तब आया जब 2400 घंटे आज बिजली उपलब्ध है उद्योगों और खानों और व्यापार, तब आया हूँ जब शिवराज सिंह जी की पुण्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिनट से आज 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें या तो नई बन चुकी है या पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार करके उनको चमचमाता हुआ नया। कांग्रेस तो चाहे जीएसटी एक ही भ्रम फैला रही है, तो जीएसटी में भी बात करूंगा मैं उनका मन चाहूँ मैं, तो उन्होंने कहा जीएसटी में तुम जो करोगे वो तुम करोगे तुमको राहत देना भी चाहिए, अगर कोई कठिनाई है तो जीएसटी में दूर करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो व्यापारी जीएसटी नहीं दे रहा, जो बहुत छोटा है, बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए तुम्हारी कैबिनेट थी, उसके लिए तुम क्या करोगे? नरेंद्र साहब ने मुझे समझाया कि जो सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर बैठा हुआ है, फल और सब्जी बेच रहा है, डबल रोटी का ठेला लेके चल रहा है, उससे छोटे छोटे धंधे कर रहा है, वो व्यापारी नहीं है। तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब के विचार में मुझे अंदर तक झकझोरा और मुझे विवश किया कि मध्य प्रदेश के व्यापार की ऐसी नीति बने जिसमें सिर्फ बड़ों का है, छोटों का भी ध्यान बड़ों से अधिक रखा है। कंप्यूटरों की दुकान में कलेक्टरों का एक एक पर्सन चला जाए कि ये जो बेटा बेटी है उसने 3 महीने का पोर्टल उन्होंने किया है, ये जीएसटी के फॉर्म भरने में प्रगत हो चुका है, इसको पूरा ध्यान है जीएसटी के फॉर्म अंग्रेजी में, और इसको जो आप नौकरी दे रहे हो उसके 2000 रुपये बढ़ गए, इसको नौकरी व्यापारी 2000 रुपये बढ़ तुम नहीं क्या होता है। लेकिन अगर कलेक्टर एक ऑर्डर निकाल देते हैं तो दुकान के बाहर एक बोर्ड लग जाता है कि यहाँ जीएसटी के फॉर्म 100 रुपये प्रति फॉर्म की दर से कुशल स्थित ऑपरेटर के द्वारा भरे जाते हैं, आज्ञा से कलेक्टर फलाना फलाना चीज जिला। तो एक एक जिले में 500 सेंटर आप देखोगे 3 महीने में शिवराज सिंह जी की सरकार इस योजना से खड़े हो जाएंगे, सब जात सब धर्म सब वर्ग के व्यापारी, उसमें हाट जिला वाला भी और चैम्बर कॉमर्स का अध्यक्ष, उसमें बड़े उद्योगपति छोटे बड़े दुकानदार भी हों और गरीब डब्ल्यू रोटी बेचने वाला भी, काम जी है सब तरह के व्यापार के जो संबंधित विभाग हैं वो कर सकते हैं। उन 9 विभागों के अधिकारी माननीय कलेक्टर माननीय असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स सब एक साथ एक जो जिले भर के व्यापारियों की कठिनाइयाँ आती है, किसी विचार अगर मिल जाती होती है कोई अधिकारी किसी को परेशान करता है, कोई व्यापारी को स्थानीय रूप में कोई
और कठिनाई आती है, समाज से कोई कठिनाई आती है, पूरे व्यापार में कोई कठिनाई आती है, तो कोई सुझाव देना चाहता है, ये समिति उसको रिकॉर्ड करा जा है। क्या कारण है सर के पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में नहीं लाया जा रहा जी? पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा? पत्रिका में छपाई है खबर, मैंने पत्रिका में पढ़ी। हाँ, क्यों नहीं लाया जा रहा? वित्त मंत्री जी ने कह दिया ये जो जीएसटी काउंसिल मिनिस्टर्स की काउंसिल बैठेगी, इसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने पर विचार हो रहा है। सर पिछले साल से सुनते आ रहे हैं आपकी बात तो पूरी जिम्मेदारी की बात कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहा हूँ। आप लीगले संपत्ति का ले रहे हैं, संपत्ति का उसे नहीं कह जाता जिसकी संपत्ति हो। ये लेकिन ये कह के समझा रहा हूँ, मेरा विवाद नहीं है। जमीन भी 33 साल के लिए उसे ऑटोमेटिक रेंट पर जमीन आपको मिल सकता है, आपका जुर्मानिका आना रखेंगे, लेकिन आप आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।